पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर बड़ा हमला बोला है, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान के कायदे आजम ने मोदी को चैलेंज किया है। आतंकी सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज करने की कोशिश की है। पाक पीएम शाहिद खाकन अब्बासी का कहना है कि अगर भारत के पास हाफिज पर लगे आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। अपने इस बयान से अब्बासी ये जताना चाहते हैं कि भारत के पास हाफिज के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, और अगर होता तो मोदी सरकार उसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जरूर दिखाती। वैसे अभी तक हाफिज के खिलाफ भारत ने जितने भी ठोस सबूत पाकिस्तान के आगे रखे हैं, उसे पाक सरकार ने हमेशा नकारा है, जिसके चलते लंबे वक्त से नजरबंद हाफिज को रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन भारत के कड़े विरोध और अमेरिका की नाराजगी के चलते आखिरकार पाक सरकार ने एक बार फिर हाफिज को हिरासत में ले लिया है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।